जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई, यात्रा का कार्ड हम लोगों ने ले लिया है और वैन में बैठ चुके हैं नए मार्ग से निकलने के लिए, यानी कि ताराकोट मार्ग से निकलने के लिए। जय माता दी सभी दोस्तों को, मिलते हैं ताराकोट मार्ग के ऊपर। भाई सुबह के 6:30 हो रहे हैं और माता रानी के दरबार में चल रही है आरती, और सामने नए वाले मार्ग से हम लोग आए हैं ताराकोट मार्ग से। हमें अपने बैग चेक करवाने होंगे और अपना यात्रा का कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद हम नए वाले मार्ग से यात्रा शुरू कर देंगे। ये देखिए भाई, ऐसा बैरिकेड लगा होगा और यहाँ से यात्रा आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी। भाई इस रास्ते के ऊपर आपको एम्बुलेंस की सेवा ज़रूर देखने को मिलेगी, हालांकि इस मार्ग के ऊपर कोई भी बैटरी कार या घोड़ा या पालकी ये इस रास्ते के ऊपर नहीं चलते हैं। दोस्तों अगर आपने बाणगंगा से होते हुए चरण पादुका मंदिर से होते हुए अर्धकुंवारी की ओर जाना है तो आप ताराकोट मार्ग से मत आइए, ये मार्ग वहाँ से होकर नहीं जाता, ये मार्ग सीधा अर्धकुंवारी के ऊपर जाकर मिलता है और पूरा का पूरा रास्ता खाली पड़ा है। तो यहाँ से 1000 मीटर आगे लंगर रह जाता है और उसी के साथ में आ चुके हैं टॉयलेट्स और सामने सीढ़ियाँ बनी हुई है। अगर आपने सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर जाना है, हमने जा रही है ऊपर और पूरा का पूरा बढ़िया वाटिका बनी हुई है, वृक्ष वगैरह बहुत है ऊपर। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो ऊपर ज़रूर जा सकते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं आप ऊपर और रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर यात्रा मार्ग पर। नवग्रह वाटिका जो हम मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी, तो कुछ ऐसा रास्ता रहने वाला है नवग्रह वाटिका का, और वो नीचे से हम लोग ऊपर आ सकते हैं और यहाँ से हम लोग सामने जा सकते हैं नवग्रह वाटिका में, और यहाँ पर आप अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवा सकते हो। बहुत ही बढ़िया बनी हुई है नवग्रह वाटिका, ये देखिए भाई यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आपके पोर्ट्रेट्स और तस्वीरें आप खींच सकते हो, और वहाँ पर भी आप लोग फ़ोटो खींच सकते हो, वहाँ पर शायद सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जय माता दी। यहाँ पर बैठकर भी आप अगर फैमिली के साथ आए हो तो यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो अपनी। बहुत ही बढ़िया बनाया गया है नवग्रह वाटिका, और यहाँ पर सभी के सभी हिरन की तस्वीरें लगी हुई, जो आ चुका है मैकडोनल्ड। तो भाई यहाँ पर आप लोग बर्गर वगैरह या कुछ और चीज़ें यहाँ पर खा सकते हो। जय माता दी। कुछ ऐसा बनाया है इन्होंने लंगर हाल, बहुत ही ज़्यादा भाई बढ़िया व्यू, ये देखिए यहाँ से भी जा सकते हो आप लंगर हाल की तरफ और यहाँ से भी जा सकते हो। जय माता दी। सामने लंगर हाल, तो भी हम लंगर ग्रहण करने के बाद अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। जय माता दी। भाई नीचे से ऊपर तक लंगर हाल तक की 3 किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है आप लोगों की, 3 से 3.5 किलोमीटर हम लोग ताराकोट मार्ग पर आए हैं और सामने हमें देखने को मिल गया है माता रानी का पावन लंगर। चावल और साथ में येलो दाल और साथ में भाई कड़ा का प्रसाद हमें मिला है। जय माता दी। और कुछ ऐसा रहने वाला है लंगर हाल अंदर से। अभी सुबह का वक्त हो रहा है, यात्रा शुरू करे हुए हमें 3 किलोमीटर हम आ चुके हैं और सामने चल रही है भाई आरती। जय माता दी। अभी ये चाय भी इनके साथ में इंक्लूडेड होती है माँ वैष्णो देवी कटरा में, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है अर्धकुंवारी जी का। आने के बाद यहाँ पर टहल सकते हो, बैठ सकते हो अपने परिवार के साथ, और ये सामने स्विमिंग पौंड के जैसा एक बनाया गया है, तो पानी यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा है, और करते हैं अपनी यात्रा शुरू आगे की। ये देखिए फाउंटेन, भाई फवारे चल रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है भाई। लंगर हॉल के बाहर की वीडियो है ये। जय माता दी। और यहाँ से हमारी यात्रा 3.5 किलोमीटर की रह चुकी है अर्धकुंवारी जी की, क्या बात है भाई। और दोस्तों लंगर हॉल से थोड़ा सा आगे आए हैं, मुश्किल से 100 मीटर आगे आए हैं लंगर हॉल से, और सामने मेडिकल यूनिट आ चुका है अगर आप लोगों ने दवाई वगैरह लेनी है, और वो सामने लिखा हुआ है मेडिकल यूनिट ताराकोट। अभी फ़िलहाल अंदर कोई बैठा नहीं है। जय माता दी। और यहाँ पे दोस्तों ताराकोट मार्ग पे आपको कोई भी सीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी चढ़ाई करने के लिए, यहाँ पर पैदल मार्ग ही बना हुआ है, तो पैदल मार्ग से ही आप लोग यात्रा कर सकते हैं। जय माता दी।
जय माता दी। सभी को भाई लगातार चढ़ाई करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है मेरे हिसाब से। लगातार 2 से 3 किलोमीटर मैं चलता हुआ आ रहा हूँ। अब थोड़ी देर के लिए लंगर खाने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रुका हूँ, और ऐसे ही 5 से 10 मिनट रेस्ट करते हुए हम लोग अपनी चढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से थकावट भी ज़्यादा नहीं होती है। और जो दूसरा मार्ग है अपना बाणगंगा और चरण पादुका वाला मार्ग, वहाँ से जो भक्तजन है वो सीढ़ियों का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इस ताराकोट मार्ग के ऊपर आपको कोई भी सीढ़ी नहीं मिलने वाली है। जय माता दी दोस्तों। दोस्तों लंगर हाल से थोड़ा सा आगे यानी कि 200 से 250 मीटर अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको वेरका मिल्क का बूथ मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग फ्लेवर्ड मिल्क ले सकते हो, बादाम मिल्क ले सकते हो और बटर स्कॉच वगैरह। ये सामने रेट लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कॉफ़ी डे बेवरेजेस, यहाँ से आप लोग कॉफ़ी ले सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो, ठंडा वगैरह ले सकते हो, पीने के पानी की बोतल ले सकते हो। ताराकोट मार्ग के ऊपर यहाँ पर आ चुका है बीकानेर वाला, यहाँ से भी आपको स्नैक्स पीने के लिए ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगी, आइसक्रीम भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से अर्धकुंवारी रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता। तो भाई अर्धकुंवारी पहुँच कर हम लोग गर्भगुण गुफा की पर्ची लेंगे और उसके बाद हम सीधी चढ़ाई शुरू कर देंगे भवन की ओर। और भैरव बाबा से वापस आने के वक्त हम लोग गर्भगुण गुफा में दर्शनों के लिए जाएंगे। जय माता दी। और यहाँ पर आ चुका है भाई नेस कैफे, जहाँ पर आप लोग गर्मा गर्म कॉफ़ी पी सकते हो, ग्रीन टी, एवरीडे मिल्क, हॉट लेमन टी, और ये आप यहाँ पर आके पी सकते हो। तो ये सामने रेट लिस्ट लगी हुई है। जय माता दी। और सामने सैंडविच बर्गर वगैरह भी पड़े हैं और नेस कैफे की ठंडी कॉफ़ी भी पड़ी है भाई। ताराकोट मार्ग से होते हुए फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी जी के मंदिर में, और सामने जो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर लिखा हुआ है अर्धकुंवारी 0 किलोमीटर, यानी कि जो ऊपर की ओर रास्ता जा रहा है वो सीधा जा रहा है अर्धकुंवारी की ओर, और अगर हमने अर्धकुंवारी नहीं जाना, अगर हमने भवन की ओर जाना है तो ये रास्ता जा रहा है भाई भवन की ओर। इस रास्ते के ऊपर भी ये देखिए पीछे चेक पोस्ट बना हुआ है और जहाँ से अर्धकुंवारी जी की ओर रास्ता जाता है, और ये सामने लेस कैफे का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है जहाँ से आप लोग कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। जय माता दी। तो ताराकोट मार्ग यहाँ से ख़त्म हो जाता है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी की ओर। अगर बैटरी कार भी आपने लेनी है ना, वो 200 मीटर अहेड है, यानी कि ये वाली जो हम रास्ते सीधा जाएंगे तो आगे बैटरी कार की सुविधा मिल जाएगी। और अभी जहाँ से नीचे हमने लंगर ग्रहण किया है तो 4.2 किलोमीटर हम चढ़ाई करके ऊपर आ चुके हैं, और जो ये रास्ता है ये सीधा जा रहा है अर्धकुंवारी की ओर। अगर आप लोगों ने भवन की ओर जाना है तो आप वो जो सामने रास्ता जा रहा है वहाँ की ओर प्रस्थान करोगे। और सामने देखो भाई कितना ठंडा मौसम हो रखा है, ऊपर तो बादल जो है वो पहाड़ों को घेर रखा है बादलों ने। 10 या 20 मीटर अर्धकुंवारी मंदिर रह चुका, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा कटड़ा शहर का नज़ारा। क्या बात है भाई, वो सामने रेलवे स्टेशन है कटड़ा का, और बिल्डिंग देखो यार कितनी साफ़ सुथरी, और कितना बड़ा शहर है भाई, 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है ये सारा का सारा। जय माता दी। बढ़ते हैं हम अर्धकुंवारी मंदिर की ओर, वहाँ से लेते हैं गर्भगुण गुफा की पर्ची। ये देखिए रास्ते पर लोग आराम कर रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं माँ अर्धकुंवारी जी के मंदिर में, और सामने पहाड़ों का व्यू देखो यार आप, बादलों से गिरे हुए पहाड़ हैं सारे के सारे। और इतना ज़्यादा कुछ खास रश नहीं है भाई अर्धकुंवारी मंदिर में, और यहाँ पर लोगों ने अपने यार कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाले हुए हैं। सो अब यहाँ से जो ग्रुप नंबर है वो देखो, सामने ग्रुप नंबर चल रहा है भाई, 600 ग्रुप नंबर चल रहा है, और कुछ इतना खास रश नहीं है भाई अर्धकुंवारी मंदिर में। सुबह 7 बजे यात्रा शुरू करी थी और अभी हो रहे हैं 10 बज रहे हैं, अभी 6:50 पे यात्रा शुरू करी थी सुबह, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और हम लोग पहुंच चुके हैं माता अर्धकुंवारी मंदिर में। तो अर्धकुंवारी मंदिर की मान्यता ये है, यहाँ पर माँ वैष्णो देवी जी ने 9 महीने गुफा में तपस्या करी थी, और उसके बाद एक जैसे एक बच्चा माँ की कोख में 9 महीने रहता है, तो उस वजह से इस गुफा को गर्भजून गुफा का नाम दिया गया है। जय माता दी भाई। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं बादलों से ढके हुए सारे के सारे पहाड़ हैं, और ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहने वाला है। ये देखिए भाई अर्धकुंवारी सुबह 10 बजे का नज़ारा, आज है 1 अगस्त 2024, और वो सामने
भगवती भवन है और यहाँ पर श्रद्धा भवन भी है। ये देखिए ये सामने श्रद्धा भवन है और यहाँ पर आप मुफ्त में रुक सकते हैं भाई, और इस तरह से आप भगवती भवन में भी बिल्कुल मुफ्त रुक सकते हैं भाई। और यहाँ पर कंबल स्टोर भी है, अगर आपने कंबल लेना है, इंक्वायरी करनी है, यहाँ पर इंक्वायरी के लिए काउंटर बना हुआ है। गर्भजून पर्ची अगर आपने लेनी है तो वो सामने बना हुआ है गर्भजून पर्ची का काउंटर। और ये रास्ता चला गया भाई हाथी मत्था मार्ग, तो ये बिल्कुल ही सीधी खड़ी चढ़ाई है भाई इस रास्ते पर। ये देखिए रास्ता ऊपर जा रहा है, लेकिन हम लोग हिमकोटी वाले मार्ग से यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे भवन के लिए। जय माता दी। जय माता दी सभी दोस्तों को। तो दोस्तों ये है भवन जाने के लिए रास्ता, यानी कि हाथी मत्था मार्ग, तो बहुत ही ज़्यादा सीधी चढ़ाई है, यहाँ से तो भाई अवॉइड ही करेंगे हम लोग जाना। और ये रास्ता वापस चला गया है नीचे कटरा की ओर, बाण गंगा वाला रास्ता है ये। और यहाँ पर मैकडोनल्ड और आगे थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे मैकडोनल्ड के आगे, तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ से आप फास्ट फूड वगैरह भी खा सकते हो और खाना भी खा सकते हो। तो भाई गर्भजून गुफा आरती दर्शन की डिटेल दी गई है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रति व्यक्ति 300 रुपये जिसकी टिकट है भाई गर्भजून गुफा की। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर भवन की ओर, सो जब हम वापस आएंगे दर्शन करके तब हम गर्भजून गुफा में जाएंगे। और सुबह के 10:15 का ये नज़ारा रहने वाला है 1 अगस्त 2024। रश कुछ खास नहीं है भाई। ये देखिए अर्धकुंवारी मंदिर। जो हमें पर्ची मिली है 683 ग्रुप नंबर की, और अभी जो ग्रुप नंबर चल रहा है वो 600 चल रहा है। और ये पहला ग्रुप यानी कि 601 नंबर ग्रुप गर्भजून गुफा में जाने के लिए रेडी है। जय माता दी, जय माता दी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए जय माता दी, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पैसेंजर तरुण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए, तो जो ये रास्ता था ये टूट गया था हिमकोटी मार्ग वाला, तो इसकी रिपेयर चल रही है भाई। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, तो पूरा का पूरा रास्ता ये ढह गया था भाई, तो इसके ऊपर भी अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये देखिए, तो इसके पीछे पिछले दिनों में इसकी खबर आई थी कि ये रास्ता धस गया था, और अभी इस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। जय माता दी। हिमकोटी वाला मार्ग है भाई ये। ये देखो भाई, हालांकि रास्ता बंद नहीं किया गया, रास्ता चालू है, लेकिन थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया रास्ता। मौसम की बात करें तो एकदम से ठंडा मौसम हो रखा है भाई, पूरा का पूरा बादलों से घिर चुके हम लोग, और एकदम से अभी ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं। ठंड नहीं लग रही लेकिन ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं। तो दोस्तों हिमकोटी मार्ग के ऊपर इस समय जो बादल हैं वो रास्ते के बीच में आ चुके हैं, और जो आगे का व्यू है बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुका है, यानी कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सामने। और यहाँ की बात करें तो जितना जितना हम ऊपर बढ़ रहे हैं साथ के साथ, तो बादल उतने ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं भाई यहाँ पर। वो देखिए सामने क्या बात है भाई, एकदम से ठंडा मौसम हो गया। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी मौसम में, और उसके बाद अब मौसम पूरा का पूरा खुल चुका है। क्या बात है भाई, एकदम से ठंडा मौसम हो गया भाई, मज़ा आ गया यात्रा का। माता रानी की कृपा होगी हम पे। हम लोग पहुँच चुके हैं हिमकोटी के डोसा पॉइंट के ऊपर, यानी कि सबसे जो फेमस यहाँ का डोसा है हिमकोटी मार्ग का, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हिम, आपको पता है कि बर्फ़ को हिम बोला जाता है, और इस समय वाकई यहाँ के जहाँ पर सारे के सारे बादल छाए हुए हैं, और इसलिए इसको हिमकोटी मार्ग बोला गया है। हिमकोटी मार्ग के ऊपर कुछ ऐसा रेट रहने वाला, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। और यहाँ से मैं करवाने लगूँ अपने लिए मसाला डोसा, और थोड़ी देर अपना मोबाइल भी चार्जिंग पे लगाऊंगा। ऐसा रहने वाला है डोसा और साथ में सांभर, और ये साथ में चटनी है, तो 55 रुपीज़ की ये पड़ी है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने अभी थोड़ी सी बाइट लेकर देखी है। डोसा पॉइंट से थोड़ा सा आगे यानी कि चेक पोस्ट पार करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक का ATM, तो आप अपने पैसे भी निकलवा सकते हैं यहाँ से। और उसी के साथ में भाई डिस्पेंसरी भी बनी हुई है, यानी कि हेल्थ ATM अनेबल ई हेल्थ सेंटर हिमकोटी। ये देखिए डिस्पेंसरी हिमकोटी वालों की, तो वहाँ से अंदर एंट्री होती है। अगर आपने कोई दवाई वगैरह लेनी है तो आप वहाँ से ले सकते हो। जय माता दी।
हेमकोटी मार्ग से चेक पोस्ट पार करने के बाद जो भवन है वो रह चुका है सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर। और मौसम एकदम से बढ़िया हो रखा है भाई, एकदम बादलों के बीच में सफ़र हो रहा है, एकदम से ठंडा मौसम, मज़ा आ गया। जय माता दी, जय माता दी मेरे सारे माता रानी के भक्तों को। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर लूँ, जो बैटरी कार है बोर्दक्वारी से लेकर ऊपर भवन तक 354 रुपये चार्ज किए जाते हैं उसके, अगर आपने बैटरी कार में आना है तो। जय माता दी। और भवन रह चुका है सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों एक बैग और एक बच्चे का रेट है 540 रुपये, लेकिन भैया कह रहे हैं रेट ज़्यादा होना चाहिए इसका, बहुत कम है रेट, कितना होना चाहिए भैया? कम से कम सर आपको 1500 तो होना ही चाहिए, इतनी चढ़ाई चलना 30-35 किलोमीटर। ये भैया कह रहे हैं कम से कम अपना उनका 1500 होना चाहिए हमारा रेट, जबकि जो यात्री हैं इनको 1200 रुपये पे करते हैं, तो 1080 रुपये पे करते हैं यात्री इनको। और ये इनकी मांग है भाई कि 1500 रुपये कम से कम हमारा इसका चार्जेस रहना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ते हैं आपके बच्चे और बैग को लेकर। सही बात है जी। जय माता दी। जय माता दी। अगर साइन बोर्ड को कोई भी सर्विस बंद करनी है, अगर उसको चालू करनी है, तो उसको इन्फॉर्मेशन पहले से देना चाहिए। 3 महीने पहले बैटरी कार का टिकट बुक करते हैं और एंड टाइम पे उसको कैंसिल कर दिया है। श्राइन बोर्ड ने किया सर? किया। आप कहाँ से आए हो? भोपाल से। भोपाल से आए हो? आपने ऑनलाइन बुक किया था? ऑनलाइन बुक किया था। तो यहाँ पर आकर कैंसिल हो गया? यहाँ पर कैंसिल का बैटरी कार नहीं है, मेरी 10 बजे की बैटरी कार आज की बुक थी, वो यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है। बैटरी कार अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, अवेलेबल नहीं है, उसके एवज में कोई दूसरी व्यवस्था भी नहीं करके दी गई। लो भाई, ये यात्री भोपाल से आए हैं, तो इन्होंने कहा यार आप ब्लॉग बना रहे हो तो मेरी एक बात बीच में जरूर रखो, तो इन्होंने ये बात अपनी रखी है बीच में, तो श्राइन बोर्ड इस तरफ जरूर ध्यान दे। और साइन बोर्ड को कॉल करते हैं कस्टमर केयर पे कि साहब तबीयत खराब हो रही है, तो उनका कस्टमर केयर वाला कहता है मर जाओगे उसके बाद हम आपकी वो करेंगे, मदद करेंगे। क्या बोल रहे, इतनी बात बोली उन्होंने श्राइन बोर्ड ने? नंबर बताता हूँ बंदे का, नंबर लिखो, दिखाओ तो स्क्रीनशॉट, दिखाओ तो स्क्रीनशॉट है। श्राइन बोर्ड ने ऐसा कहा आपको? श्राइन बोर्ड का बंदा है। क्या बोला कि मर जाओगे तो उसके बाद आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था दी जाएगी? अरे बाप रे, दिखाइए जरा प्रूफ भी तो दिखाओ ना, लोगों को प्रूफ भी तो दिखना चाहिए। ये नंबर है 9797477777, जिसको मैंने सुबह 8:13 पर कॉल किया इनको, जिसमें 9 सेकंड मेरी बात हुई है। ठीक है, ये देख लो भाई, यात्रियों को ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। और ये तो बात मुझे बड़ी हैरानी वाली लगी है भाई, कि जो इन्होंने भैया ने बात बताई है अभी। जय माता दी। यहाँ से रह चुका माता रानी का भवन सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक, और मौसम पूरा का पूरा औसम। जय माता दी। चेक पोस्ट से अपनी चेकिंग करवाने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं माता रानी के पवित्र भवन पर। यहाँ पर है सामने पार्वती भवन, जहाँ पर के लॉकर रूम की सुविधा उपलब्ध है, और अभी कोहरे की वजह से माता का पवित्र भवन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रखा है भाई यहाँ पे। वो सामने माता रानी का भवन दिख जाता है, लेकिन बादलों की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और सामने है भाई भेंट शॉप, यानी कि प्रसाद के लिए दुकान सामने बनी हुई है, वहाँ से हमें प्रसाद लेना है। जय माता दी। तो बात करें अगर पार्वती भवन की, तो इतना ज़्यादा रश यहाँ पर नहीं है, और जो हमारे लोकर की पर्ची है वो भी बड़ी आसानी से मिल रही है, और बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। दर्शन भी मुझे लगता है हमारे फटाफट से हो जाएंगे। जय माता दी। और पार्वती भवन के अंदर नेस कैफे की शॉप बनी हुई है, जहाँ से आप लोग चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, स्नैक्स वगैरह। भवन में अब अभी आए हैं भैरव बाबा से दर्शन करने के बाद, और हमने यहाँ पर अपने पार्वती भवन में अपना सामान जमा करवाया था, और 100 रुपये इन्होंने हमसे लिया था, और उसके बाद जो 100 रुपीज़ है वो हमें रिफंड हो गया भाई। तो यहाँ से आप लोगों ने अपना सामान कलेक्ट करना है भाई। और लीजिए दोस्तों, मेरे बिल्कुल सामने है मेरी माता रानी का पवित्र पावन भवन, वो सामने विराजमान है पिंडियों के रूप में माँ सरस्वती, माँ वैष्णो देवी और माँ काली। जय माता दी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए भाई जय माता दी। और मौसम की बात करें तो अभी हम भैरव बाबा से दर्शन करके आए हैं भाई, केबल कार जो हमने जाती है 100 रुपये की पर्ची हमने ली थी, तो उसमें हम लोग ऊपर चले गए थे, हालाँकि जो मेरा मोबाइल था वो यहीं पार्वती भवन में जमा था, इस वजह से ऊपर की वीडियो में नहीं कवर कर पाया, लेकिन हम भैरव बाबा दर्शन करके आ चुके हैं। और ये मैं पार्वती भवन से आपको इस समय के ताज़ा हालात दिखा रहा हूँ। बिल्कुल मेरे सामने है भेंट शॉप, जहाँ से आप माता रानी के दरबार में जाने के लिए प्रसाद लेते हो, और वो सामने है भाई केबल कार जो कि सीधा भैरव बाबा तक जाती है, और
3 से 4 मिनट में आप भैरव बाबा पहुंच जाते हो। जय माता दी, जय माता दी सभी दोस्तों को। और भैरव बाबा से दर्शन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं वापस पार्वती भवन में अपना बैग कलेक्ट करने के लिए। ऊपर की वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि यार मेरा जो मोबाइल था वो मेरे बैग में पड़ा था और बैग मेरे जमा था पार्वती भवन में। ये देखो भवन के ऊपर मौसम का कुछ भी पता नहीं लगता है। अभी थोड़ी देर पहले पूरा क्लियर विजन था लेकिन अभी बिल्कुल बादल छा चुके हैं भवन पर और जो विजिबिलिटी है बिल्कुल कम हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देनी मैं चाहता हूँ कि जो रोप वे यानी कि भैरव बाबा की ओर जो केबल कार जाती है तो उसकी जो बुकिंग काउंटर है वो यहाँ से हटा कर वो सीधा दुर्गा भवन की बेसमेंट में कर दिया गया है। यानी कि वो सामने अगर आपको इस तस्वीर में हल्का सा भी भवन नज़र आ रहा है तो वहाँ पर दुर्गा भवन है और उसकी बेसमेंट में बुकिंग चालू है भाई। और वो जा रही है सामने केबल कार और बुकिंग करवाने के बाद आपको स्लिप मिलेगी। स्लिप लेकर आपको वापस यहीं पर आना है। यहाँ से आप सीधा ऊपर अपने दर्शनों के लिए जा सकते हो भैरव बाबा के लिए। तो भाई इसका जो मेन रीज़न था ना जो दुर्गा भवन के नीचे रोप वे की जो काउंटर बनाने का तो इस वजह से था क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी क्योंकि यही मेन रास्ता है भवन की ओर जाने के लिए। और इसी रास्ते के ऊपर जब काउंटर के लिए लाइनें लग जाती थी बुकिंग के लिए भैरव बाबा के तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। और इस समय के बहुत ही बढ़िया भाई मौसम के हालात आप लोग देख सकते हैं। मैं इस समय पार्वती भवन में हूँ। जय माता दी भाई। अब विजन बिल्कुल क्लियर हो चुका है और वो नीचे जो सामने आप लोग देख रहे हो ना वो सामने वहाँ पर बना हुआ है भाई उसका काउंटर। वो जो आप सामने देख रहे हो ना वहाँ पर काउंटर बना हुआ है रोपवे का जो सीधा आपको भैरव बाबा तक लेके जाता है। मौसम बहुत ही औसम हो रखा है भाई इस समय। बहुत ही मज़ेदार मौसम, ठंडा मौसम एकदम। और भाई ये है नया रास्ता स्काई वॉक। ये देखिए ये सारा का सारा स्काई वॉक का रास्ता है जिसके ज़रिए भजन दर्शन कर सकते हैं। और अभी इतने आराम से बढ़िया दर्शन हुए, चाहे आप 2 से 3 बार दर्शन कर सकते हो, इतना रश नहीं है यहाँ का। फिर से कोहरा छा रहा है और जो भवन है वो फिर से चिपना शुरू हो चुका है। जय माता दी सारिया नु, जय माता दी। हाँ मेरे पीछे माता वैष्णो देवी का पवित्र भवन। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस कटरा की ओर। रास्ते में अब मैं दूसरे रूट से जाऊँगा बाणगंगा वाले मार्ग से, तो वहाँ से होता हुआ मैं आपको चरण पादुका और माँ बाणगंगा के दर्शन भी करवाता जाऊँगा। जय माता दी। कटरा की ओर और अर्धकुंवारी के पास सारी की सारी बैटरी कार्स जो अर्धकुंवारी से भवन तक आपको लेके जाते हैं तो यहाँ पर खड़ी होती हैं भाई अर्धकुंवारी के बीच में। जय माता दी। तो उतरते टाइम मैंने सीढ़ियाँ ले ली थी तो ये 556 सीढ़ियों के करीब इनकी संख्या रहने वाली है। और मैं अभी वो सामने से उतरता हुआ आ रहा हूँ ऊपर से और नीचे का भी कुछ ऐसा रहने वाला है। थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे नीचे कटरा। जय माता दी। शाम के भाई 7:20 हो रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा की ओर। जा रहे थे हम लोग दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं चरण पादुका मंदिर में। तो आप देख सकते हैं इस समय जो भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें चरण पादुका मंदिर में भी दर्शन करने अनिवार्य होते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप लोग ध्यान रखें, चरण पादुका मंदिर में भी दर्शन करने के बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करें। हम लोग आए थे दूसरे मार्ग से तो इस वजह से हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। और वो सामने नज़र आ रहा है यहाँ से शंकराचार्य मंदिर। जय माता दी। तो भाई अगर आप लोगों ने कागजी फ्रूट लेने हैं तो भाई इसी दुकान पर आ जाना, जहाँ पर ये दूसरे पत्थर वाले फ्रूट भी पड़े हैं और ये नीचे कागजी फ्रूट भी पड़े हैं भाई जो एक हाथ से टूट जाते हैं। भैया तोड़ के दिखाना अपने हाथ से एक फ्रूट। ये देखो भाई ये होते हैं कागजी फ्रूट, हाथ से तोड़ दिए भैया ने। तो ऊपर जितने भी दुकानदार हैं ना इनकी दुकान के बाहर तो वहाँ से बिल्कुल अखरोट मत लेना भाई। इनका दुकान का मैं नंबर आपको शेयर कर देता हूँ विजिटिंग कार्ड, तो इन्हीं से आपने अखरोट लेने हैं। कागजी अखरोट बहुत ज़्यादा रेट है, 250 रुपये के 1 किलो अखरोट है। और प्रसाद भी आपको यहाँ से मिल जाएगा भाई। जय माता दी। और सामने इनके बिल्कुल देख सकते हो आप मैगी की दुकान है भाई। फाइनली दोस्तों हमारी यात्रा बहुत ही बढ़िया रही और हमारी यात्रा हो चुकी है सफल क्योंकि आ चुका है बाणगंगा या इसको आप बाणगंगा भी बोल सकते हो। तो सामने बाणगंगा वाला ब्रिज स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से दर्शनी गेट से आप लोग अपने दर्शन की पर्ची चेक करवाने के बाद निकलते हो। बाणगंगा की बात कर लेते हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं
बाल गंगा पर। तो बाल गंगा की मान्यता ये है कि यहाँ पर हनुमान जी को प्यास लगी तो माँ वैष्णो देवी जी ने पहाड़ों में तीर मारकर एक जल की धारा निकाली थी और उसे बाल गंगा का नाम दिया गया। और बाल गंगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी सुनने में आया है माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर अपने केस भी धोए थे, इसलिए इसको बाल गंगा भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम हो गए, एक हो गया बाल गंगा, दूसरा हो गया बाण गंगा। जय माता दी। वो देखिए अभी नीचे बाण गंगा जी का भाव और भजन, रात को स्नान कर रहे हैं और हमारी यात्रा हो चुकी है संपन्न। जय माता दी। हमारी जो यात्रा है वो हो चुकी है संपन्न। बहुत ही बढ़िया दर्शन दिए माता रानी ने और अगली बार देखते हैं माता रानी हमें अपने दरबार में कब बुलाते हैं। तो अब हमारी जर्नी रहने वाली है मेरे घर की, यानी कि कटड़ा से लुधियाना तक की। जय माता दी। फाइनल व्यू यहाँ से दर्शनी गेट का हमें देखने को मिल रहा है और सामने मेरी माता रानी के पवित्र दरबार की चढ़ाई और वह सामने अर्धकुंवारी जी का मंदिर। जय माता।